बचेगा वो जिएगा, तो जिएगा। दोस्तों बहुत दिनों बाद एक स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म आ रही है और अभी उसका कुछ दिन पहले उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो बताएंगे आपको कि फिल्म कौन सा है और ट्रेलर कैसा है। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं शाहिद। मैं सुमंत। और आप देख रहे हैं आजकल, स्वागत है हमारे एक और नए रिव्यू पे, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों 2005 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था आशिक बनाया आपने, जो काफी म्यूजिकल हिट रही थी। उसके डायरेक्टर थे आदित्य दत्त, और जिस मूवी की हम लोग बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है क्रैक। इसके भी डायरेक्टर आदित्य दत्त हैं। दोस्तों आदित्य दत्त इसके पहले दिल दिया है, टेबल नंबर 21 और कमांडो 3 भी कर चुके हैं, और विद्युत जामवाल के साथ इनकी दूसरी फिल्म है क्रैक। आदित्य दत्त मशहूर गीतकार आनंद बख्शी के पोते हैं, ग्रैंडसन हैं। और बात करें इसके डायरेक्शन की, तो इसे डायरेक्ट किया है आदित्य दत्त ने, और इसे प्रोड्यूस किया है अब्बास सैयद और विद्युत जामवाल। बात करें इसके राइटर की, आदित्य दत्त, सरीम मोइन, रेहान खान और मोहिंदर प्रताप सिंह ने इसे लिखा है। दोस्तों ट्रेलर बहुत जबरदस्त है और एक्शन से भरा हुआ है। बात करें इसके स्टोरी लाइन की, तो इसमें दो भाइयों की कहानी दिखाई गई है जो कि एक छोटे शहर से आते हैं और गेम खेलने के लिए, और उसमें एक भाई की मौत हो जाती है, लेकिन उसकी मौत कैसे होती है वो उसे नहीं पता होता है, और जब उसे पता चलता है कि उसके भाई की कैसे मौत हुई है तो वो बदला लेने के लिए जाता है। इसी के इर्द गिर्द जो है कहानी बुनी गई है। बाकी फिल्म में क्या है ये फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। इवेंट पर आधारित पिक्चर है, ट्रेलर देखे तो ही पता चल रहा है। विद्युत जामवाल इसमें है मेन लीड में। विद्युत जामवाल मतलब एक्शन और स्टंट दोनों भर भर के है। स्टंट हवा में है, कार में है, हर तरीके का स्टंट भरा हुआ है। विद्युत जामवाल स्टंट करते हुए काफ़ी शानदार लगते हैं। और बात करें इसके मेन लीड में विद्युत जामवाल, और निगेटिव में अर्जुन रामपाल है। अर्जुन रामपाल इनका अलग ही निगेटिव में एक और निखर के आता है, जो काफ़ी करते हुए मतलब निगेटिव किरदार करते हुए काफ़ी शानदार नज़र आते हैं, जो विद्युत जामवाल को टक्कर दे रहे हैं। और नूरा फतेही और एमी जैक्सन भी साथ में हैं इनके। और बात करें इसके म्यूजिक डायरेक्टर की, तो इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं मिथुन, तनिष्क बागची और एमसी स्क्वायर। एमसी स्क्वायर वही जो हंसल 2.0 में परफॉर्म कर चुके हैं, इसी गाने को जो रोम रोम से गाने की बोल है, और इसी गाने को रिक्रिएट किया गया इस मूवी में, जो काफ़ी ट्रेंडिंग में लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है। और दोस्तों इसका जो प्रोडक्शन है वो विद्युत जामवाल का है, जो कि एक्शन हीरो के नाम से है, और इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं पैनोरमा स्टूडियो है। ट्रेलर तो हमें बहुत अच्छा लगा, मूवी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाकी आप बताइएगा ट्रेलर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखते रहिए चार्ज। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।